वजीर अला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली स्पीकर के ओहदे पर बीजेपी की सीनियर लीडर सतीश महाना के मुंतखब किए जाने पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि हिजब इकतदार और हिजब इख्तलाफ ने जिस तरह मुतहद होकर असेंबली स्पीकर का इंतखाब किया है, इससे जमहूरियत के वकार में इजाफा हुआ है। वजीर अला ने कहा कि हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम करना है। अवाम ने जिस यकीन के साथ हमें मुंतखब करके यहां भेजा है, इस भरोसे को हमें बरकरार रखना है। विधानसभा की बात करते हैं तो इस विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। उन जैसे मनुष्यों ने इस सदन की गरिमा को, इसके उच्च संसदीय मर्यादाओं और मानदंडों को स्थापित करने का कार्य किया था और उसके बाद से श्री आत्राम गोविंद खैर जी ने तीन बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को सुशोभित किया। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने तीन बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के गरिमामय पूर्ण पद को सुशोभित किया और आज जब हम 18वीं विधानसभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी दो बार विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है। आज भी इस सदन के मान्य सदस्य चुने गए हैं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। पार्लियामानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि ऐवान को फखरिया तरीके से चलाने के लिए इक्तदार और हिजब इख्तलाफ समेत सभी मुंतखब होकर आए अराकीन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐवान में जितनी ज्यादा बहस होगी उतनी ही ऐवान की अहमियत बढ़ेगी। उन्होंने मीडिया से भी अच्छी खबरों के नशरिये की गुजारिश की है। सबसे बड़ी आधार है चर्चा बहस और विचार विमर्श होना और वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती भी संसदीय लोकतंत्र के सामने यही है कि सदनों का व्यवधान। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि कहां कहां कैसा कैसा क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत सी विधानसभाओं में इस बात का बहुत बड़ा लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आखिरकार सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने सदनों के व्यवधान की है, इसका समाधान क्या है। और मैं समझता हूं कि चाहे इधर बैठे हुए लोग हैं और चाहे मेरे सामने बैठे हुए लोग हों, वो सभी इस बात पर महसूस करते होंगे कि अगर सदनों में व्यवधान न हो तो जो चर्चा और वाद विवाद और बहस होती है वो सबसे ज्यादा सार्थक भी होती है, उसका परिणाम भी निकलता है और जो निष्कर्ष निकलता है उसमें निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी कार्य भी होते हैं। और जितनी देर तक जितनी अच्छी चर्चा होती है उतनी अच्छा कहीं न कहीं से निष्कर्ष निकलता है।